फॉर्मुलेशन है वो 8 किलो की ही है सोडा ऐश की, ठीक है, ये हम लिख दिए आपको, लेकिन अभी हमारे पास ये अवेलेबल जो है ना वो 6 किलो होता है, तो ये आपको फॉर्मुलेशन हिसाब से सेट कर दिया। जो सोडा ऐश है ना, इसका बुनियादी जो मकसद होता है वो होता है बेस बनाना सर्फ की और सफाई करना, ठीक है। इसका रेट चूँकि कम होता है इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। सर सबसे पहले आपने क्या डाला है? सोडा ऐश डाला है। कितना? 8 kg। 8 kg। ठीक है। उसके बाद हमने TSP, TSP एब्रीवेशन है ट्राई सोडियम फॉस्फेट का, ठीक है। TSP का काम है जहाँ खारा पानी हो, जहाँ गंदला पानी हो, उसको ये सर्फ आपका जब आप वो मशीन में डालेंगे वॉशिंग मशीन में, तो सर्फ का काम जहाँ कपड़े धोना है वहाँ पानी को भी साफ करेगा, ठीक है। TSP का ये काम है। तो ये हमने इसमें 100 ग्राम इसमें डाला है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी SLS, ठीक है, सोडियम लॉरल सल्फेट। SLS पाउडर होता है जिसमें सर्फ के अंदर झाग बनानी होती है, ठीक है। SLES अलग चीज़ है, SLS जो है ना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। SLES जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और SLS जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। ये हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद हमने इसमें ये ब्राइटनर मैंने लिखा है, ब्राइटनर ये हमारे पास पड़ा नहीं हुआ, आप मार्केट से ले लेंगे जब आप घर में बनाएंगे उस वक्त। आप ब्राइटनर काम है कपड़े में थोड़ी शाइन लाना, ठीक है, कपड़े में शाइन लाना, चमक लाना थोड़ा सा। ये इसकी जगह में आप CBSX भी यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें नमक डाला है, 5 kg हम नमक डालेंगे इसमें, 5 kg। वो नमक इस वजह से भी डालते हैं कि नमक, वैसे लोग कहते हैं इसकी सफाई के लिए, नमक सफाई कम करते हैं, वैसे जो सर्फ होता है उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हम नमक डालते हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी सर्फ की किलो की कॉस्ट आ रही है 100 रुपये, तो नमक जब अगर आप वहाँ 5 किलो नमक डाल देंगे तो 1 किलो नमक 8 रुपये का, तो वो उसकी कॉस्ट को थोड़ा कम कर देगा, यानी आपका 5 किलो सर्फ बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कम हो गई। वो कलर देना होता है कि वो सफाई भी करता है, साथ वो आपके जो पाउडर होता है ना उसमें समझ लें कि उसने उसको कमर्शियल शेप देनी होती है कि आ रही है ना मार्केट का जैसे सर्फ होता है ना उस तरह की लुक आएगी उसमें, यानी रंग बिरंगी नीले पीले लाल वो सारी वो चीज़ें वो कलर देना पड़ा हुआ है, वो भी आपको कर दिखाते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेगरेंस खुशबू एक्सेल की, ठीक है। खुशबू आप लिक्विड में भी डाल सकते हैं, जो दूसरी वो पड़ी हुई हमारे पास ड्राई है पाउडर फॉर्म में वो भी हम डाल सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से डाल सकते हैं। उसके बाद भी हम इसमें डालेंगे सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक को काला तेल भी कहते हैं, सल्फोनिक एसिड भी कहते हैं, ये मुख्तलिफ कंपनियों का आता है। इसका काम होता है सफाई करना, कपड़े की सफाई करना, ठीक है। इनके रेट्स मैंने आगे लिख दिए हैं, मार्केट में जो इनके रेट्स अभी चल रहे हैं वो आपको सारा बता देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी सोडियम सिलिकेट। सिलिकेट पढ़ो, हाँ, जो साबुन में डलता है सोडियम सिलिकेट, ठीक है। ये सबसे अच्छी फॉर्मुलेशन है जो मतलब एक्सल क्वालिटी की है। वैसे तो आप इसमें से 2-3 चीजें मैं उड़ा दूं तो तब भी सर बन हाँ तैयार हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी जबरदस्त है, क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है। हाँ, कपड़ा मतलब फटना शुरू हो जाएगा, कपड़ा फूटना शुरू हो जाएगा, उसके कपड़े का रंग उठना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप के लोग बना रहे हैं आजकल मार्केट में, 150 रुपये किलो सर्फ बिक रहा है, 100 रुपये, जैसे ये मार्केट में सर्फ गल्ला मंडी में आते हैं वो 80 रुपये किलो वाले, 100 वाले, तो वो सारी कास्टिक लही डाली होती है अंदर। उसका नुकसान ये होता है कि जब कपड़ा 2-3 बार तीसरी बार धुलता है तो कपड़े की जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो उसकी पकड़ होती है और उसकी जान होती है, वो निकल जाती है, कलर पे भी असर पड़ता है, कलर भी उसका उड़ना शुरू हो जाता है, तो वो सर्फ 60 रुपये किलो बन जाता है। ये जो सर्फ बनेगा ये आपका 100 रुपये किलो बनेगा, यानी 100 रुपये किलो आपको घर में पड़ेगा, ठीक है। तो आपने उसको देखना है कि आपने उसको 150 रुपये में बेचना है या 180 में या 200 में, जिस तरह भी हिसाब से आपने अपनी मार्केट देखनी है। तो ये सारी चीजें हम इसमें अभी ऐड करेंगे और साथ आपको दिखाएंगे इसे। SLS है, ठीक है, ये देखना आपने, इसने झाग बनानी है, ठीक है, चलिए ये क्या समझ गए। और ये साथ क्या है सर? बेस बनाएगा सर। और ये TSP है, ये TSP और SLS, ये हम इकट्ठा डालते हैं, ठीक है। जो ड्राई फॉर्म जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी आपने इकट्ठी डाल देनी है, ठीक है, उनको पहले घुमा लेना है, फिर उसके बाद आपने लिक्विड्स डालने हैं, ठीक है, ये नमक डालते हैं। ये वैसे 5 kg हमने डालना था, लेकिन ये चूंकि सोडा है हमारे पास 6 kg, इसमें से हमने इसको 4 किलो, लेकिन जो फार्मुलेशन है उस हिसाब से आपने 5 किलो भी डालना है, ये आपको मैंने लिख के दिया। कलर डालने ले आओ ना, कितना ड्यूटी ले आओ, 200-250 ग्राम ले आओ, कलर कलर थाना ले आओ आप, 500 ग्राम ले आओ,
कौन सा कलर डालना है, ब्लू डालना है, रेड डालना है या मिक्स कर दें? मिक्स कर लें। मिक्स मिक्स कर दो सारे, 500 ग्राम है तो 150-150 ग्राम करके मिक्स कर दो। उसके बाद हमने जो लिक्विड केमिकल्स है वो डाल लिया, ठीक है, फिर उसके बाद इनको घुमाना है। पाउडर को फैलाओ में लेके आना, फैलाओ में उसकी नमी को वो सक कर लेता है और वो पाउडर को फैलाओ में ले जाता है। जैसे पाउडर 1 किलो ही होता है, लेकिन वो आपको जब पैकेट में देखते हैं वो फैला हुआ होता है। अच्छा, ये दाना है नींबू, ठीक है, इस प्रकार इसमें आप एक दाना भी डाल सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं, मतलब मर्जी। हाँ, मर्जी आपकी। बाद में देखा सर्फेक्सल में ब्लू कलर का होता है, आज का ब्लू कलर में आ रहा है। यूपी लेते हो, यूपी 200 ग्राम का है, ये बड़ा सोडा लाइट, यूपी को सोडा लाइट भी कहते हैं। स्पीकिंग सोडा लाइट, हाँ मैं इधर लिख लेता हूँ। बस 200 ग्राम ले आओ, ये बहुत है। डाल से डाले वैसे ये 200 ग्राम पूरा होगा, चार डलते हैं। देखो ना, ये देखो, ये देखो वेट लाइट है ना, देखो हल्के हैं वो। सोडा लाइट कितना है? को फैलाओ में 200 ग्राम, 200 ग्राम पाउडर को फैलाओ में ले जाते हैं। आप ये डाल, आप ले आओ, इसमें ब्राइटनर को है नहीं, पीएसपी डाल दिया। खुशबू कितनी? खुशबू 50 ग्राम। हाँ, खुशबू हम इसमें डाल रहे हैं, एक्सल की डाल रहे हैं, ड्राई फॉर्म वाली, लिक्विड वाली नहीं जी। लिक्विड वाली भी हम डाल सकते हैं, ड्राई फॉर्म में इसमें से डालते हैं ताकि आजकल नमी है, चूंकि थोड़ा ये पाउडर जो है ना इसको खुश ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, इस वजह से इसको हम इसमें डालेंगे। 50 ग्राम। हाँ, 50। ये क्या डाला जी? एक्सेल की फ्रेगनेंस ड्राई। फ्रेगनेंस ड्राई कितनी? 400 ग्राम। हाँ, 50 ग्राम, सॉरी 50 ग्राम। हो गया। अब क्या डालें? सारी चीजों को मिक्स करेंगे, करेंगे 3 से 4 मिनट, ठीक है जी। ये जी मशीन और ये इसकी मिक्सिंग शुरू हो गई। सर अब क्या डाल रहे हैं जी? सल्फोनिक एसिड है, तुफैल का। सल्फोनिक एसिड ये कितने ग्राम डाला है? 1 किलो। 1 किलो, 1 किलो सल्फोनिक एसिड। सोडियम सिलिकेट, ये झाग भी बनाएगी और सफाई भी करेगी। इसका काम है झाग बनाना और सफाई करना। ये कितने का, कितना ग्राम डाली? 500 ग्राम। ठीक हो गया। ये क्या डाल रहे हैं जी? कलर डाला जी, प्रोफेशनल करने के लिए। ये क्या डाल रहे हैं जी? कलर डाला जी, प्रोफेशनल करने के लिए। ये अब बाहर निकालेंगे जी, ग्रेटर में डालेंगे, ग्रेटर में डालेंगे, इसको मजीद दानेदार बनाने के लिए ग्रेटर डालेंगे। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सूफी मोहम्मद रमज़ान चीना और आप देख रहे हैं आइडियल सोसाइटी टीवी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए कारोबार के हवाले से मुख्तलिफ वीडियो लेके आते हैं, आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं ये है सर्फ पाउडर बनाने की, और ये प्रोफेशनल सर्फ आप किस तरह बना सकते हैं उसकी मुकम्मल फार्मूलेशन और प्रैक्टिकल वीडियो है। मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी दोस्तों, ये मुकम्मल तैयार शक्ल में आप सर्फ देख सकते हैं, ये मुकम्मल तैयार हो गया जी।